हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, 2022 आप सभी के लिए बहुत बहुत और बहुत मंगलमय रहे। जब न्यू ईयर आता है तो हम कोई ना कोई बहुत ही चटपटी सी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी ट्राई करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है या बनाने में बहुत ज़्यादा तामझाम हो जाता है तो मन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए माहेश्वरी रसोई में आज हम बनाएंगे एकदम मिनटों में बनने वाली ये बहुत ही टेस्टी चाट की रेसिपी, जो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी को स्वागत करती हूँ। इस बहुत ही क्विक और एकदम इंटरेस्टिंग चाट को बनाने के लिए हमें जरूरत होगी आलुओं की। तो ये मैंने 250 ग्राम जितने आलू ले लिए हैं और आलुओं को उबाल लिया है। फ्रेंड्स, इस चाट के लिए आप आलुओं को बस इस तरीके से हाथ से रफली सा तोड़ लें, कद्दूकस ना करें, वरना वो वाला चंक्स नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा। तो बस इसी तरीके से आलूओं को तोड़ लिया। इसके बाद बारी है इसमें कुछ चीज़ें डालने की। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले डाल देते हैं एकदम बारीक कटा हुआ प्याज। 2 टेबलस्पून जितना प्याज डाल दिया है, 2 टेबलस्पून डालेंगे एकदम बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और ये गया बारीक कटा हुआ 2 टेबलस्पून जितना खीरा, और उसके बाद मैंने लिए 2 टेबलस्पून जितने ही बारीक कटे हुए टमाटर। और अगर आपके पास पनीर का टुकड़ा रखा है तो बिल्कुल छोटा सा पनीर का टुकड़ा बारीक कट करके डाल दें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करेगा। चाट बनाएं और हरी मिर्च न डालेंगे तो हो ही नहीं सकता। तो बस 2 टेबलस्पून हरी मिर्च डाली, और उसके बाद गया टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/2 टीस्पून जितनी लाल मिर्चें, और 1/4 टीस्पून डाल दिया गरम मसाला, और ये मैंने लिया है चाट की जान चाट मसाला 1/2 टीस्पून जितना, और ये गया 1/2 टीस्पून जितना भुने हुए जीरे का पाउडर। इस चाट को हम टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बनाएंगे। और ये गया खूब सारा हरा धनिया, जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, अरोमा भी अच्छा आएगा और लुक भी बढ़िया हो जाएगा। बस ये लिमिटेड सी चीज़ें डालनी थी और डल कर तैयार है। तो बस अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस चाट को बनाना बहुत ही आसान है, हार्डली 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, और आपके पास जो कुछ है उसी से चाट बन जाती है, यानी कि कोई तामझाम नहीं है, कोई टाइम टेकिंग नहीं है। तो बस अच्छे से मिक्स हुआ। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी कॉर्नफ्लोर की। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप इसमें चावल का आटा ले सकते हैं, आप मैदा ले सकते हैं, अरारोट है अरारोट ले सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप कॉर्नफ्लोर ही लें, लेकिन कॉर्नफ्लोर सभी को पता है थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी लगता है। उसके बाद गया टेस्ट के हिसाब से इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक, और अच्छे से लुक के लिए चिली फ्लेक्स डाल दिए। चिली फ्लेक्स नहीं है, आप लाल मिर्ची डाल सकते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं। उसके बाद बारी है फ्रेंड्स इसकी स्लैरी बनाने की। तो स्लैरी में बहुत ज़्यादा रनी सी नहीं बनानी है, तो बस अगर आपने 2 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर लिया है तो आप इसमें सिर्फ 4 टेबलस्पून जितना पानी डालें। स्लैरी थोड़ी सी थिक रखेंगे, एकदम जैसे नॉर्मली क्या करते हैं कॉर्नफ्लोर की स्लैरी बहुत पतली सी बनाते हैं, लेकिन इस रेसिपी के लिए थोड़ी सी थिक बनाएंगे। तो ये देखिए एकदम बढ़िया लम्स फ्री स्लैरी तैयार है, और जब आप इसे यूज़ करेंगे इसे एक बार हिला जरूर लें। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये रेसिपी ब्रेड के साथ, और ब्रेड के साथ बनने वाली जो रेसिपीज़ होती हैं क्विक तो होती हैं और साथ ही टेस्टी भी होती है। तो जैसे नॉर्मली हम सैंडविच बनाते हैं ना, तो बस उसी तरीके से हमने जो मसाला बनाकर तैयार रखा है इसे इस तरीके ऊपर ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैला दें, और इसे फैलाने में तो कंजूसी बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि फ्रेंड्स चाट है और चाट की जान है हमारी ये वाला मसाला। तो बिल्कुल अच्छे से मसाले को अच्छे से फैला लें और बहुत ही अच्छे से प्रेस कर लें, जिससे इस पर से ये हटे नहीं। और ये देखिए मैंने कितना सारा मसाला लगाया है, और आप देख सकते हैं कि इस पर बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब बारी है फ्रंट वो जो हमने स्लैरी बनाई थी ना उसका इस्तेमाल करने की, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले एक बार ज़रूर हिला लें। कॉर्नफ्लोर काफ़ी भारी होता है, पानी पर बैठ जाता है, तो बस बिल्कुल अच्छे से मिक्स किया, और इस तरीके से हम ये जो कॉर्नफ्लोर है इसे इस पर फैला देंगे। कॉर्नफ्लोर से आपकी ये जो चाट बनेगी ना इतनी क्रिस्पी बनेगी कि आप इसके आगे टिक्की या भल्ले जो बनाते हैं ना वो भी भूल जाएंगे, लेकिन बनाने में आपको टाइम बहुत ही कम लगेगा, काफ़ी हेल्दी है। थोड़े से देसी घी या बटर के साथ इसे आप बना सकते हैं, तो मैंने किया है बटर का इस्तेमाल, जिससे और भी बढ़िया टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, और या आप देसी घी ले सकते हैं, और जिस साइड हमने वो मसाला लगा कर तैयार किया था ना बस उधर से इस तरीके से आप इसे पलट कर रख दें। इसे सेकने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में हैप्पी न्यू ईयर लिखना तो बिल्कुल भी ना भूलें।
और दूसरी तरफ भी हमने अच्छे से बटर अप्लाई कर दिया है। और बस इस तरीके से थोड़ा सा हिलाते हुए और इस तरीके से टर्न करते हुए आप इसे बढ़िया सा सेक ले। सेकने में फ्रेंड्स ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि कॉर्नफ्लोर जल्दी से सिक जाता है, आलू ऑलरेडी सिका हुआ है। बस उतना सेक लें जो हमने कॉर्नफ्लोर वाली साइड है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, और जब वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए आप उसे टर्न कर दें। और ब्रेड सेकने में तो फ्रेंड्स आपको पता ही है हार्डली 1.5 से 2 मिनट का समय लगेगा क्योंकि हमारा जो पैन है वो अच्छे से गर्म है। और ये देखिए क्या बढ़िया और शानदार कलर आया है, देखने से ही पता चलता है कि जो ये साइड है ना काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। इसमें आपको ब्रेड चाट का टेस्ट आएगा और उसके साथ ही आपको इसमें जो भल्ले या टिक्की बना देना उनका भी प्रॉपर टेस्ट आएगा। तो चलिए बाकी इसी तरीके से सेकेंगे। और ये जो हमारी ब्रेड चाट के लिए ब्रेड और इधर की आलू वाला मसाला तैयार है ना, अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसे इसी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। तो लेकिन आज हम बना रहे हैं चाट, तो चाट के तैयार बनाने के लिए इसे आप पिज़्ज़ा कटर या नाइफ से इस तरीके से थोड़े छोटे पीसों में डिवाइड कर लें। और उसके बाद बारी इसे अरेंज करने की, तो बस इसे अरेंज करने के लिए दो दो पीस रख लीजिए। और ये मैंने लिया है एकदम बढ़िया पिटा हुआ चाट वाला दही। चाट वाले दही से मतलब है दही को अच्छे से मैंने चलनी में निकाला और उसके बाद में उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी। इससे दही का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और काफ़ी देर से खट्टा होता है। और ये गई हरे धनिया की तीखी सी चटनी। हरे धनिया की चटनी के साथ ही हम इसमें डालेंगे इमली की मीठी चटनी, क्योंकि कोई भी चाट हो इमली की चटनी और हरे धनिया की चटनी और दही के बिना तो बिल्कुल ही अधूरी है। फ्रेंड्स हमने इस चाट में बहुत सारे मसालों का ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है, तो आप चाहें तो इसे बिल्कुल बिना मसालों के से बना सकते हैं और आप चाहें तो थोड़े बहुत मसाले डाल भी सकते हैं। लेकिन मैं इसमें इस समय कोई मसाला नहीं डालूंगी, बस मैंने डाल दिए ये नायलॉन सेब, जिससे थोड़ा सा क्रंच बढ़िया आएगा, लुक बढ़िया हो जाएगा। और ये गया थोड़ा सा हरा धनिया, अगर आपके पास अनार है ना थोड़े से अनार के दाने डाल दें, बहुत ही बढ़िया लुक हो जाएगा, टेस्ट भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और ये देखिए क्या क्रंची सी हमारी चाट बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स आपने देखा ना, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं हुआ, कोई ज़्यादा मसाले नहीं लगे, जो कुछ रसोई में होता है उससे ही बनकर तैयार हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यार प्यार से कमेंट जरूर कर। तो दोस्तों एकदम मिनटों में बनी हुई ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।